हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम गूगल खोल कर उसमें लिखेंगे UIDAI। UIDAI के वेबसाइट पर हमको जाना होता है। कोई भी आधार का काम करना हो तो आधार का वेबसाइट पर जाना होता है, उसी के बाद ही वेबसाइट का काम करेगा। तो चलिए हम चले गए डैशबोर्ड से, डाउनलोड में चले गए। चलिए यहाँ पे ओके किए, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद ही आपका डेटाबेस लॉगिन होगा। तो चलिए हम इसको लॉगिन करते हैं। ये डिटेल डाल दिए हम और ये कैप्चा डाल रहे हैं, ठीक है। इस कैप्चा को डालने के बाद एक रजिस्टर जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद ही आपका ID लॉगिन हो जाएगा। और इसमें प्रोसेस दिखाने लगेगा, हाँ इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं, PVC कार्ड मंगा सकते हैं बाई पोस्ट, आधार अपडेट कर सकते हैं, क्या सुधारना है। और नया ऑप्शन इसमें जुड़ा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो चलिए हम उसको भी दिखाते हैं। तो पहले हम डाउनलोड पहले दिखा देते हैं। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपका आधार, ऐसे आधार डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। आधार इसको करना है हमको, ठीक, अपडेटिंग। जैसे नया इसमें आया है अपडेटिंग का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से अपने जाकर लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे क्या कौन कौन सा सुविधा है देख लीजिए, और यहाँ पे हमको लॉगिन करना है। चलिए ये डिक्लेयर बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये सारा चीज़ बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा हाँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चलिए इसमें पूरा डिटेल अपना बढ़िया से पढ़िए। डाटा आपको वेरिफिकेशन करना है, तभी आपका आधार वेरीफाई रहेगा, अन्यथा आधार डिलीट हो जाएगा। आधार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए UIDAI ने आधार में एक अलग से डॉक्यूमेंट जारी करवाया है, जिससे कि वो वेरीफाई हो जाए। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करना है तो पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, ये और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी दिखा रहे हैं। चलिए देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नहीं अथी करना है, ठीक है। इससे काम आपका हो जाएगा, इसी के अथॉराइज आपका सब काम होगा। जैसे कि आप देख लीजिए कौन इसमें, देखिए कौन कौन सा आपका चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका आप अपना कर लीजिएगा और उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसीलिए UIDAI ने ये गाइडलाइन किया है कि आधार वेरिफिकेशन करना है अनिवार्य। आपको किस चीज़ पर वीडियो बनाना है आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। और मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।